नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टेक शाहिद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे, अगर आप भी अपना फ़ोन फाइनेंस करवाना चाहते हैं, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट से फाइनेंस करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा कॉमेंट कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में। यहाँ पर अपना पहले सबसे पहले हम अपना फ़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपना फ़ोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आपको बाय नाउ वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन 1 ईयर फ़ोन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाइक केस कवर के जो है, इसके अगर आप लेना चाहते हो तो ऐड कर लीजिएगा, वरना स्किप एस कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एड्रेस दिखाई देगा, उसके बाद कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा पेमेंट्स मोड। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका कार्ड दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे UPI वॉलेट, क्रेडिट डेबिट या ATM, उसके बाद नेट बैंकिंग, EMI इंस्टॉलमेंट। दोस्तों हमको लेना है EMI पे यानी इंस्टॉलमेंट पे, तो किस तरह से लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे इंस्टॉलमेंट पे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फाइनेंस EMI कार्ड, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बैंक है यहाँ पे आपसे क्रेडिट कार्ड मांगा जा रहा है। दोस्तों हम ना ही हमारे पास क्रेडिट कार्ड है ना ही डेबिट कार्ड है, हम अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू अगर EMI पर करवाना चाहते हैं तो किस तरह से करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले अपने मेन होम स्क्रीन पे। यहाँ से हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद ये देख सकते हैं मेरा जो ये है मेन इंटरफेस है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा शॉप, उसके बाद से सुपर कॉइन्स, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको डॉट्स मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद गेम जोन। तो सिंपली दोस्तों आपको क्रेडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों फ्लिपकार्ट जो लेटर है यहाँ से इसके थ्रू हम बताएंगे। यहाँ से देख सकते हैं आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने का EMI हो सकता है। दोस्तों थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ से आप बजाज फाइनेंस कार्ड से भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप डेबिट कार्ड EMI एस पार्टनर ऑफर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना डेबिट कार्ड के हुए आधार से हम अपना मोबाइल जो है फाइनेंस करवाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको प्लीज़ वेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गेट इंसर्ट क्रेडिट अप, यहाँ पे देख सकते हैं 70,000 विथ फ्लिपकार्ट पे लेटर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप ट्रस्टेड बाई ओवर 30 लाख्स इंडियन, यहाँ पे देख सकते हैं 30 लाख लोगों ने अभी तक इसके लिए अप्लाई कर लिया है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप में यहाँ पे आप इससे क्रेडिट मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका पैन नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना सबसे पहले पैन नंबर जो है वहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालने के बाद देख सकते हैं एक्टिवेट ना वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई आधार, यहाँ पे मैंने पैन नंबर डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं यू विल बी रीडायरेक्ट टू UID वेबसाइट फॉर आधार वेरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो नहीं है तो सबसे पहले जाके आप अपना आधार से मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद देख सकते हैं ये हमको रीडायरेक्ट करेगा आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है, मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन दिखाई देना है यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको से OTP पूछा जा रहा है, यहाँ से आपको OTP फिल कर देना है। मैंने यहाँ से अपना OTP फिल कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट 4-डिजिटल पिन, यहाँ पर मैं अपना 4 डिजिट का पिन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना पिन बना लिया, उसके बाद वेरीफाई वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा, फैचिंग योर KYC इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है रिव्यू एंड सबमिट। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। इसको आपको एग्री एंड सबमिट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका चेकिंग फॉर एलिजिबिलिटी यानी कि मुझे मिलेगा या नहीं यहाँ पे चेक हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे KYC डिटेल्स जो है रिसीव कर चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई योर बैंक डिटेल्स KYC। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, उसके बाद कंफर्म अकाउंट कर लीजिए यहाँ पे, उसके बाद ब्रांच का जो IFSC कोड है यहाँ पे डाल के सबमिट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल दिया। यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वेरीफाई योर अकाउंट होल्डर नेम, दिस मैनी टेक योर 30 सेकेंड्स। यहाँ पे हम 30 सेकेंड वेट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे चेकिंग योर एलिजिबिलिटी के ऑप्शन, फिर से यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग योर एलिजिबिलिटी हो रहा है। यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं क्रेडिट लिमिटेड कितना मिलता है हमको। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मुझे यहाँ पे 3000 रुपये का क्रेडिट लिमिटेड मिला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेशन शाहिद, उसके बाद यहाँ पे मुझे अभी 3000 रुपये का क्रेडिट लिमिटेड मिला हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग का जो ऑप्शन दिखा दे रहा है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू शॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ से 3000 रुपये का कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।